हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा दो तीन सवालों के जवाब देंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं, कमेंट आने शुरू हो गए हैं अब वीडियो पे, तो बहुत सारे सवाल लोगों के रहते हैं। तो इस वीडियो में वही कोशिश रहेगी कि लोगों के सवालों का जवाब दिया जाए। तो जैसे सबसे पहला सवाल तो लोगों का ये होता है कि भाई, मतलब एक सिंपल सा शेड्यूल मतलब बताओ, मतलब मैं अगर मुझे चश्मा लगा है तो मुझे क्या क्या करना चाहिए कि मेरा चश्मा सही हो जाए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जैसे मैं, मतलब एकदम ध्यान से सुनिए आप लोग, दिन के 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे में आपको एक घंटे के आसपास समय देना है धूप में दूर की चीज़ें बिना चश्मे के देखने के लिए, ठीक है। ठीक, बाकी जो बचे 23 घंटे, उसमें से मान लीजिए सोने, खाने, नहाने, इन सब का मतलब समय निकाल दिए जब आपको मतलब चश्मा नहीं लगाते हैं, ठीक है। बाकी समय आप या तो काम करते हैं, अगर पास का काम कर रहे हैं और वो बिना चश्मे के दिख रहा है तो आपको उसके लिए चश्मा नहीं लगाना है, ठीक। और बाकी अगर दूर का कोई काम कर रहे हैं और मान लीजिए अगर आप अच्छी रोशनी में नहीं है, अच्छी धूप में नहीं है, या फिर आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत है, एक बात ध्यान से, चश्मा हटाना मतलब चश्मा कम करना, मायोपिया कम करना आपकी जान से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। तो अगर आपके जॉब की रिक्वायरमेंट ही है, जॉब में मांगता ही यही है कि आपको चश्मा लगा, आपको हमेशा अलर्ट रहना है, जैसे रात में ड्राइविंग करनी हो, ठीक है, या फिर कोई मशीनरी, हैवी मशीनरी चलानी हो जिस पे लोगों की जान डिपेंड करती हो, जिस पे लोगों की जान खतरे में ना आ जाए, आपकी आंखें हमेशा सही दिखना चाहिए, तो ऐसे वक्त में आपको अपना फुल चश्मा लगाना चाहिए, ठीक है। ये पहले से ही साफ साफ बता दिया हूँ मैं, आपका चश्मा फुल लगना चाहिए, ठीक। कहीं पे भी जहाँ लोगों की जान का रिस्क हो, वहाँ मायोपिया घटाने से पहले क्या जरूरी है, जान, ठीक। अगर आप सेफ जगह पे नहीं है, सेफ नहीं है, तो मायोपिया कम करने की कोशिश मत कीजिए, पहले सेफ जगह पे आइए तब कुछ काम करिए, ठीक है। तो वो हो गया, और बाकी 24 घंटे में आपको पता चल गया ना, बाकी समय कम पावर का चश्मा पहनना है। कम पावर का चश्मा कैसे पता करेंगे, चश्मा पहनने पे मतलब आंखों को ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कम हो गया पावर, अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो भी वो नहीं पहनना है, थोड़ा सा ऊपर पहनना है, और फुल पावर से थोड़ा सा नीचे पहनना है। इन बीच में कैसे आपको पहनना है, सेट करना है, ये मतलब ट्रायल एंड एरर है ये, ठीक है, ये पहली बार में नहीं आता है, ठीक है। धीरे धीरे आपको 24 घंटे में क्या करना है आपको पता चल गया है, ठीक। एक घंटा धूप में दूर की चीज़ें देखने के लिए टाइम निकालना है, बाकी अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और बिना चश्मे के कर पा रहे हैं तो बिना चश्मे के करना है, ठीक है। चश्मा लगाए बिना अगर दिख रहा है तो फिर चश्मा कभी मत पहनिए, चाहे दूर की चीज़ें भी क्यों ना हो। कभी अगर आपकी आंखें कह रही हैं कि मतलब चश्मा नहीं पहनना है तो मत पहनिए, अगर काम जरूरत ना पड़े तब तक चश्मा मत पहनिए, ठीक। अब दूसरा एक सवाल आया था कि चश्मा कम होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो उस पे पहले एक रिसर्च है, ठीक है, जो है नेचर में, उसमें लिखा है कि लोगों पे मतलब कम पावर का चश्मा पहनाने से क्या हुआ, वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इस ये मैं स्क्रीन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। 40 मिनट तक मतलब अगर चश्मा कम पहनने के बाद -8 माइक्रोमीटर आँखें घटती है, आँखों की एक्सियल लेंथ होती है, ठीक है, वो होती है कार्निया से लेकर रेटिना तक की दूरी, ठीक है, वो एक्सियल लेंथ होती है। तो इसमें यही लिखा है कि 40 मिनट तक करने के बाद -8 माइक्रोमीटर के आसपास वो दूरी कम हुई, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है कि 50 मिनट करने के बाद सेचुरेशन हो गया, मतलब 50 मिनट के ज़्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, 50 मिनट के बाद -10 माइक्रोमीटर कम हुआ, ठीक है। तो इससे -10 माइक्रोमीटर क्या है,
मतलब 0.01 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 100वां भाग, ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर इसका 10वां भाग है, इसका 100वां भाग। तो अगर आप 1 घंटे धूप में अगर दे रहे हैं, जैसे रिसर्च पेपर में लिख दिया है 40 से 50 मिनट के बीच में ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, और मैं भी यही बोलता हूँ कि धूप में कम से कम 1 घंटा आप समय दीजिए दूर की चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो इससे आपको समझ में आ गया कि मैं 1 घंटा वाला वो लॉजिक कहाँ से आया, ठीक है। और दूसरा जो बोलते हैं, 1 दिन में अगर मान लें कि आप ये पूरा अचीव कर पा रहे हैं, आप 1 दिन में 0.01 मिलीमीटर कम कर रहे हैं अपनी आँखों का एक्सियल लेंथ, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब कैसे कैलकुलेट करें कि आपका चश्मा कैसे कम होगा। तो मान लीजिए आपका पावर है -4, ठीक है, -4 डायोप्टर, मतलब -4 का उल्टा क्या होगा, -4 को इन्वर्ट करेंगे तो आएगा 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर आप नहीं देख पा रहे हैं। तो इसको आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानिए, थोड़ा गोड़ा भाग है, ध्यान से। अब आपकी आँखों में वो एक्सियल लेंथ है, एक्सियल लेंथ को आप इमेज डिस्टेंस मानिए, वी, लेंस फार्मूला सबको सब पढ़े हैं, 1/V - 1/U = 1/F, सारे साइन के साथ, ठीक है। तो अब आप इस फार्मूले में जब आप रखेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, तो जैसे आप, और ये एक्सियल लेंथ के लिए मेजर करने के लिए एक मशीन आती है, तो जैसे उस नेचर स्टडी में लेंस स्टार LS900, ठीक है, वो मशीन इस्तेमाल हुई, तो वो मशीन यूज होती है लेंस स्टार LS900, तो वो मशीन यूज करके ये आंखों की दूरी की पता लगाया जा सकता है, ठीक। अब आप जब उस फार्मूले में रखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो दूरी कम करनी है वो लगभग -4 डायोप्टर वालों लोगों के लिए, अगर आपका स्टार्टिंग लेंथ है 2.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर अगर आपका एक्सियल लेंथ आ रहा है -4 डायोप्टर पे, तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सही देखने के लिए आपकी एक्सियल लेंथ होनी चाहिए 2.5 मिलीमीटर। तो डिफरेंस कितना है 2.5 और 2.7 में, वो आया है 2.7 मिलीमीटर का। अब 1 दिन में 1 घंटे धूप में दूर की चीज़ देखने पे 0.01 मिलीमीटर कम हो रहा है, तो कितने दिन लगेंगे 2.7 मिलीमीटर कम करने में। तो जिनका मैथ सही होगा वो लोग तुरंत बता देंगे, 270 दिन, ठीक है, सही है। तो आपको समझ में आ गया है कि -4 डायोप्टर का चश्मा कम करने के लिए 270 दिन लगते हैं, लेकिन ये सही है क्या। अब आप ध्यान से समझिए कि ये आइडियल है, ये फार्मूला कैसे आया कि मतलब आप दिन में सिर्फ और सिर्फ दूर की चीज़ करें, आप तो ये तो नहीं ना कर रहे हैं, मैं दूर की चीज़ भी कर रहा हूँ, पास की चीज़ें भी देख रहा हूँ। तो ये आँखों में बेसिकली आँख, इसको गाड़ी जैसे आप समझ सकते हैं, गाड़ी 8 मीटर आगे गई, 6 मीटर पीछे आई, तो कुल कितने मीटर चली, 2 मीटर ना। तो टोटल जो इफ़ेक्ट होता है, आप दूर की चीज़ देखेंगे आँख दूर की चीज़ के लिए एडजस्ट होगी, पास की चीज़ देखेंगे आँखें पास की चीज़ के लिए एडजस्ट होंगी। अगर आपको इसमें नेट फ़ायदा निकालना है, मायोपिया कम करना है, तो आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी कि कैसे मैक्सिमम टाइम जो है आँखों को दूर के लिए ही रखा जाए, ठीक है। तो जैसे मेरा जो रिजल्ट है, मेरा इस साल 8 महीने में 0.5 डायोप्टर कम हुआ है, ठीक है, तो वो इसी वजह से हुआ है, गाड़ी 10 मीटर आगे गई 8 मीटर पीछे आई, दोनों का नेट रिजल्ट थोड़ा सा आगे आया, ठीक। तो ये आइडियल नहीं होता है, ठीक है, और आइडियल कोई कर भी नहीं सकता है, आप दिन भर दूर की चीज़ें नहीं देख सकते, सबको मोबाइल चलाने का मन करता है, ठीक है।
ये वाला हो गया, ये वाला सवाल का जवाब मिल गया, ठीक है। आइडियल केस में आपका जितना पावर है और जितना एक्सियल लेंथ है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके टाइम लगा सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा आपको चश्मा कम करने में, ठीक। और बाकी एक सज्जन ये भी पूछ रहे थे कि भाई मायोपिया सही कर, मायोपिया का कुछ खोजे हो तो ये सफ़ेद बालों का भी खोज लिया है क्या, तो मतलब उसका जवाब अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट यही है कि मतलब सफ़ेद बालों का अभी कोई इलाज नहीं है, लेकिन अधिकतर जो केस बाल झड़ने के आते हैं उसका एक कॉमन साइंटिफिक कारण है, वो मैं किसी भी और वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाकी आपको पता ही, अगर वीडियो अच्छी है, वीडियो से कुछ फ़ायदा होता है तो आपको पता है कि अच्छी वीडियो के साथ क्या करते हैं, ठीक है। अगर पसंद नहीं आई तो भी डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।